तो एक बहुत अच्छा स्ट्रेच मिला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक टेस्ट ही कर लेते हैं कि गियर का जो रेशियो है वो पहले में कितना, दूसरे में कितना, तीसरे में कितना, पांचवे तक कितना जाती है, टॉप स्पीड कितनी है। तो स्टार्ट करता हूँ, पीछे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, फर्स्ट गियर लगा दिया है मैंने, चौथा, दूसरा, दूसरे में 60, तीसरे में 80, चौथे में 100, पांचवा लगाया है और ये 100 की स्पीड में कर्व लेते हुए। कॉर्नर पे मैंने पूरा रैप कर रखा है, पूरा देख लिया, ये देखो लास्ट है। रोड बड़े खाली है यार, तो ये 100 से ऊपर निर्धारित विंडो मिरर की हालत देखो, नीचे आ गई है। तो ये 100 से ऊपर जा ही नहीं रही है, मतलब 110 गई थी आई थिंक लास्ट, देखना पड़ेगा मीटर में कितना गया था। ओहो, वैसे मैं इसको जब मैं स्टॉप साइलेंसर लगा था तो 115 और 18 तक ले गया हूँ लास्ट, जहाँ तक मेरे को याद है। कभी मैंने एक्चुअली रियल में टेस्ट नहीं करा लगा के, बट इतनी चली जाती है, इतना आंसर। बाकी आज कोई दिख ही नहीं रहा है यार, क्या बात है। सारे राइडर कहाँ गए? बाकी ये देख रहे हो हैंडल का इशू, गाड़ी देख ले रहा हूँ यार, गाड़ी का पता ही नहीं लग रहा है, मिरर ना नीचे चले जाते हैं।